वेलकम टू मनाल का किचन। मनाल के किचन में वेलकम है। आज हम आपको फ्रूट चाट सिखा रहे हैं। विंटर के हिसाब से कुछ सीजनल फ्रूट्स हैं, तो सीखिए मेरे साथ रहिए और फॉलो कीजिए रेसिपी। तो स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास तकरीबन एक कप उबले हुए चने हैं, लेकिन ये हम बाद में ऐड करेंगे। इन्हें हमने हल्का सा नमक और ऑयल के साथ फ्राई करना है। ये शक्करकंदी है तकरीबन दो मेरे पास एक प्याली बॉयल की हुई, और इसे मैंने इस तरह क्यूब में थोड़ा मोटा कट कर लिया, क्योंकि ये मिक्स करने से टूट जाती है। ये तकरीबन दो चम्मच इमली थी मेरे पास, जिसे मैंने पका के इस तरह गाढ़ा पेस्ट, गाढ़ा नहीं थोड़ा पतला रखा है, इसको पतला ही रखना है क्योंकि हमें ये पतला ही चाहिए। और ये मेरे पास दो ऑरेंज का जूस है, जिसे मैंने बीज निकाल के रखा है। चाट मसाला है मेरे पास इस तरफ दो चुटकी, हाफ टेबल स्पून चाट मसाला, और मेरे पास हाफ टी स्पून ये मेरा सॉल्ट है, और ये हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर है। अब इधर आपको बताते हैं, मेरे पास कटे हुए ऑरेंज है, एक छोटे साइज का नारा रेड, ये मेरे पास अमरूद है, और एक केला, दोनों एक केला था और एक अमरूद मैंने साइड पे मिक्स करके रख दिए। और मेरे पास तीन एप्पल हैं जिनको मैंने छिलके समेत काट के रखा। अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। पैन में मेरे पास पहले से रखा हुआ ऑयल पड़ा था, और इसमें आप जो छोटा छोटा देख रहे हैं ये नमक के पीसी हुए हैं, ठीक है। इसी ऑयल को मैं यूज़ करती हूँ, इसमें तकरीबन एक टेबल स्पून ऑयल है, ठीक है। और इसमें मैंने ये चने डाल के हल्के से फ्राई कर लेने हैं आँच पे हल्के से। अब हम इन चनों में दो पिंच ये डाले हैं सॉल्ट, ठीक है, दो पिंच सॉल्ट डालेंगे, हल्का फिर सेक लगाएंगे बस दो से तीन मिनट, ताकि इनमें काफ़ी एक शाइन और एक टेस्ट आ जाए। अच्छा, दो से तीन मिनट ऑयल में से फ्राई करने, अब हम इसे उतार लेते हैं। सबसे पहले एक बड़ा वाला आप बाउल या इस तरह का आप बर्तन कोई बड़ा ले लीजिए, उसके अंदर पहले फ्रूट हम मिक्स करते हैं। कुछ अनार हम बचा लेंगे, एंड पे हम स्प्रिंकल करेंगे, लेकिन ये कि कुछ मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं, ठीक है। शक्करकंदी ऐड करते हैं, ठीक है, और इसमें हम इमली ऐड कर रहे हैं। आप अपनी मर्जी से कम ज़्यादा कर सकते हैं, ये पकी हुई है इसकी गला वाला ख़राब नहीं करेगी। अब हम इसमें शामिल कर रहे हैं, ये मेरे पास चाट मसाला था, ये काली मिर्च, नमक, ये सब आपकी अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट और फैमिली और क्वांटिटी पे ये करता है कि आपने कितना यूज़ करना है। ये मैंने सब ऐड कर दिया इसमें, ठीक है। अब हम इसमें शामिल करेंगे ये जूस ऑरेंज का, अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। अब हम इसमें चने शामिल करते हैं, और चने थोड़े ठंडे कर लीजिए। अभी ये रेसिपी हमारी तैयार है, और आप मेरी चैनल पर आइए, चैनल लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। बहुत इजी रेसिपी है, बहुत मेहनत और प्यार से आप लोगों के लिए चीज़ें लेके आते हैं। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएंगी चीज़ें। इसमें जितना जूस होगा उतना ही अच्छा लगेगा ये, ताकि ये ड्राई ड्राई ना रहे, इसलिए आप लोग भी ट्राई कीजिए अपने घरों में। और चैनल लाइक करने का शुक्रिया। कमेंट सेक्शन में जाइए और बताइए कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसे लगी। इसे फाइनल गार्निशिंग करके आपको दिखाते हैं। अच्छा, थोड़े से इस तरह आप इसमें स्प्रिंकल कर दीजिए अनार अगर आपके पास है। मैंने थोड़ा सा अंदर डाल दिया था, कुछ मैंने ऊपर इसके डाल दिए, तो मेरी रेसिपी फाइनल हो गई है। और दुआ में याद रखिएगा, बड़ों को सलाम, बच्चों को प्यार। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।